मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता को सीबीआई द्वारा समन करने से मुख्यमंत्री खट्टर का कार्यालय आया संदेह के घेरे में। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता को सीबीआई द्वारा समन करने से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यालय संदेह के घेरे में आ गया है। मानेसर जमीन घोटाले में समन जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के मीडिया प्रदेश प्रभारी राजीव जैन ने कहा, अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करेंगे। देखिए, सीबीआई ने अभी जो है बहुत लोगों को समन जारी किए हैं और सीबीआई जो है मामले की जांच कर रही है, और जांच में अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक मिनट की जो है देरी नहीं लगाते कार्रवाई करने में। लेकिन इस पर सीधा सीधा लिखा गया जी आरोपों में कि उन्होंने जो ज़मीन थी वहाँ के एक बिल्डर को फायदा पहुँचाने के लिए बहुत कम रेटों पर। देखिए, जांच के दौरान मैंने कहा कि जांच के दौरान जांच को मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों को जो है उसमें बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, और बाद में जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें दोषी करार दिए जाते हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। आजाद टीवी न्यूज के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता की रिपोर्ट।